तो गाइस हमारी यहाँ पर चैत्र मेला का सेल हो रही है, तो यहाँ पर सस्ता सस्ता में बहुत सारे कपड़े या जो घर का सामान वगैरह बहुत कम रेट में ही मिल जाते हैं। तो चलो गाइस आप सभी को मेला का हमारी यहाँ पर नज़ारा दिखा देते। तो यहाँ पर भुजिया तो जो यहाँ पर सबसे पहले मिल गया है, तो अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ यहाँ से जाके। तो यहाँ पर देखो कपड़ा वगैरह, यहाँ पर सब कपड़ा ही है, सब कपड़ा ही ज़्यादा मिलेगा। और तो घर का जो सामान है वो तो ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, वो लास्ट पे हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर अभी मिलते हैं हमारे कपड़ों की दुकान पे, और कपड़े क्या क्या कपड़े यहाँ पर होते हैं और सेल वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो मिलते हैं। तो मैंने अपना भी एक खुद का वीडियो बना लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेला पे आके। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बहुत सारे लोग आए थे, तो हम लोग ने अलग अलग हो गया, उधर कुछ लोग गए हम लोग, उधर कुछ लोग आ गए। तो गर्मी बहुत है, धूप भी बहुत है। हम लोग अभी जो आए हैं 11:30 बज रही है, इसलिए बहुत गर्मी है और लोग भी बहुत है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना लूँ आप सभी को दिखाने के लिए, तो त्रिपुरा का जो मेला होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, जो चैत्र मेला जो कम रेट में कपड़े मिल जाते हैं। तो मैंने तो कुछ लिया ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं और कितने दामों पे मिलते हैं। चलो गाइस मेरी वीडियो को एंजॉय करो। तो फाइनली घूमते घूमते यहाँ पर मेरे 1000 में मेरी बहना सब लोग मिल गया, यहाँ पर एक कथे हो गया। और यहाँ पर उन लोग को जूते लेनी थी, तो उन लोग को चॉइस नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे बुला रही थी चॉइस करने के लिए कौन सा ले ले और कौन सा नहीं ले। तो फाइनली हम भी देख रही थी जूते कौन से अच्छा है और कौन से अच्छा नहीं, तो उसने ये जूते पहन के मुझे दिखाया अच्छा है, तो मैंने बोला हाँ अच्छा है, लेकिन नहीं लिया उसने फिर भी। तो अंदर जाके मैंने कुछ जूते की दुकान भी है, तो मैंने भी जाके उन जूते की दुकान को मैंने वीडियो बना लिया। वो तो वो लोग भी मुझे देख रही थी जो मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन मज़ा भी आ रही थी मैं जो वीडियो कर रही थी उनको। और यहाँ पर सारी जूते की दुकान है, और बाहर जो है वो कपड़े की दुकान है, ये थोड़ा अंदर जाके मिल जाते हैं। ये सब 200-100 रुपये के जूते हैं सारे, इससे ज़्यादा रेट नहीं है, 200-100 रुपये मिल जाते हैं ये सारे जूते। तो फाइनली हमने जूते ना खरीद के भी, लेकिन जो देखा है अच्छा लगा। यहाँ पर जो दुकानी बेच रही थी गर्मी में, ये अंकल तो ख़त्म हो गई है गर्मी में, ये बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और जूते की दुकान के अंदर तो और भी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी थी, तो इसलिए बहुत गर्मी हो रही थी। तो फाइनली वो लोग जूते चॉइस करके वो मुझे पूछ रही थी ये जूते अच्छे हैं और या नहीं, तो मैंने बोला कि हाँ ये अच्छे हैं, तो वो ले लिया। तो 100 रुपये की जूते थी, तो हम लोग फाइनली जूते लेके अभी बाहर निकल रही है।
फाइनली आज का हमारा जो मेला है यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं और लास्ट में हम लोग सब इकट्ठे मिल चुके हैं और हमने पूछा कि तुमने क्या लिया, तो उसने बोला कि उसका प्लाजो लिया है। तो मैंने उस प्लाजो को देखा और फिर खोला, खोलने के बाद आप सबों को मैंने शो किया। तो गाइस आप लोगों को ये प्लाजो कैसे लगा? और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कलर भी बहुत सुंदर है लेकिन मुझसे बहुत बड़ा है। तो यहीं पर मेरी वीडियो ख़त्म होता है। जिस किसी ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।